इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ्री फायर के अंदर इस तरीके से इशू आता है, नॉट ऑल प्लेयर आर रेडी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब ये इशू आता है आपका नॉट ऑल प्लेयर रेडी, और वैसे तो यहाँ पर सब लोगों को पता ही रहता है कि ये क्यों आता है। लोबी में कोई बंदा रेडी नहीं कर पाता तब ये देखने को मिलता है, पर ये बिना मतलब के ही देखने को मिले तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क इंटरनेट पर जाना है। सबसे पहले एरोप्लेन मोड को लगा देना है, बंद कर देना है, फिर बैक लाना है। यहाँ पर आपको सिस्टम में जाना है, डेट एंड टाइम पर जाना है, यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा देना है, और टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो इस पर भी टिक करके लगा दीजिए। फिर बैक लाइए और यहाँ पर अपने ऐप्स नोटिफिकेशंस में जाइए, सीएल ऐप्स को खोल लीजिए और यहाँ पर फ्री फायर को फाइंड कर लीजिए। तो मैं फ्री फायर को फाइंड कर लेता हूँ, यहीं पर ऊपर ही मिलेगा हमें ऐप में फ्री फायर, ये रहा, इसे खोल लेना है, फोर्स स्टॉप कर देना है यहाँ से, और उसके बाद मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर जाना है, बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना है, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा को बंद रहने देना है जिससे कि इंटरनेट प्रॉपरली चलता रहे। फिर बैक ला देना है और प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर सर्च कर देना है फ्री फायर। देखिए, वैसे तो अंदर से भी अपडेट मिलता है और प्रॉपर अंदर से ही अपडेट आते हैं, बट अगर कभी कभी आपको बाहर से प्ले स्टोर से अपडेट दिखे तो उससे भी अपडेट कर लिया करिए। तो यहीं से आप सीधे डायरेक्ट अपडेट करेंगे इसको, तो उसके बाद अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके खोलिएगा और फिर गेम को चलाइएगा, तो आपकी तरफ से कोई भी इस तरीके का इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।